हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेशन ट्रेल। मैं हूं अभी देश की राजधानी दिल्ली में, और यहां पर मैं हूं, जिस जगह मैं हूं वह है पंजाबी बाग का जन्माष्टमी मेला। बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, मेले के बीच में हूं मैं। शाम में सबसे पहले आ चुका हूं। मेले का टाइम है अभी कम से कम एक महीने तक रहेगा, और टाइमिंग होगा शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक। मैं 5:30 बजे आ चुका हूं, और सबसे बढ़िया जो चीज़ है यहां पे जन्माष्टमी की बहुत सारी झांकियां हैं। तो मेला हम बाद में घूमेंगे, पहले हम झांकियां देखते हैं, लेट्स गो। हम मेन एंटर कर चुके हैं जहाँ पे झांकी लगी हुई, लेकिन झांकी से भी पहले यहाँ पे ये जो पूरा टेंट हाउस दिख रहा है, यहाँ पे सत्संग होने वाला है। आगे में भगवान कृष्ण का आप देख रहे हो, राधा कृष्ण का वहाँ पे मंदिर स्थापित किया हुआ है। यहाँ पे टेंट बना हुआ है जहाँ पे कोई गुरु जी आएंगे वहाँ पे सत्संग करेंगे, और उस तरफ से झांकियाँ स्टार्ट होती है। तो हम लोग उधर से स्टार्ट करने वाले हैं। सत्संग का डेट आज नहीं है, जन्माष्टमी के दिन है, तो लेट्स गो। झांकी यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये मूविंग वाला झांकी नहीं है, ये सेकंड वाले से मूविंग वाला झांकी स्टार्ट होता है। यहाँ पे नन्हे नंदलाल यहाँ पे झूले में झुला रही है माँ यशोदा। इस झांकी पे शेषनाग के फन के ऊपर कन्हैया डांस करते हुए, ये वाला सबसे ज़बरदस्त पूतना राक्षसी का वध करते हुए पूरा मूविंग यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई। यहाँ पे कंस वध दिखाया गया है, ये कंस का वध करते हुए, और बलराम वो पागल हाथी राजा कंस ने छोड़ दिया था, उस हाथी का वध करते हुए। बहुत ही सुंदर, ये अमेजिंग साउंड इफेक्ट्स के साथ पूरा गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पे उठा के सारे गोकुलवासियों की रक्षा करते हुए भगवान कृष्ण। अमेजिंग साउंड इफेक्ट्स, ये बहुत ही सुंदर था यहाँ पे झांकी, जहाँ पर राधा कृष्ण नदी पार कर रहे हैं। ये तो अद्भुत सा झांकी है, इतनी सारी गोपियाँ और सभी गोपियों के साथ कृष्ण रासलीला करते हुए, एक ही रूप कृष्ण के सभी गोपियों के साथ, अमेजिंग बनाया ये चीज। ये समुद्र मंथन का वो दृश्य, और ये पूरा मूविंग बनाया गया है पहाड़ सुमेरु पर्वत में, भगवान शिव विष पीते हुए और शेषनाग, पूरा सुमेरु पर्वत यहाँ पे मूविंग सुमेरु पर्वत दिखाई दे। ये गोकुल का दृश्य या गोवर्धन का दृश्य, जहाँ पे राधा को कृष्ण भगवान झूला झुलाते हुए, राधा यहाँ झूल रही है और पीछे में कृष्ण, अद्भुत। ये भगवान कृष्ण का नरसिंह अवतार, पूरे साउंड इफेक्ट। ये सुदामा के पैर धोते हुए भगवान कृष्ण और रानी रुक्मिणी, और ये मेन महाभारत के शुरुआत का प्रपंच द्रौपदी का चीरहरण, ऊपर में भगवान कृष्ण द्रौपदी की रक्षा करते हुए। बहुत ही बढ़िया ये इफेक्ट दिया गया। ये महाभारत का वो प्रसंग जहाँ पे ऊपर मछली की आँख देखकर, प्रतिबिंब देखकर अर्जुन ने मछली को मारा था तीर से। ये महाभारत का वो प्रसंग जहाँ पे भीष्म पितामह इधर खड़े हैं, इधर स्वयं कृष्ण, उन्होंने शपथ ली थी कि अस्त्र नहीं लूंगा, लेकिन कर्ण का वध करने के लिए चक्के से कर्ण का वध किया था। अमेजिंग। पीछे में गीता श्लोक, और यहाँ पर भगवान कृष्ण भी हैं, सारे पांडव हैं, भीष्म पितामह को तीर मार के जब गंगा जी का स्रोत निकाल के उनके मुख में डायरेक्ट अर्जुन ने पहुँचाया था। इसे मिस कर सकता हूँ झांकी में, इसरो का LVM3 चंद्रयान 3 का मेन रॉकेट लॉन्चर ये भी है, और इसके आगे G20, बीच में मोदी जी, और बाकी सारे पोस्टर्स दूसरे G20 के नेताओं के। ये झांकी का सबसे बेस्ट कंक्लूजन हो सकता है। फायर पान भी यहाँ पे मिल रहा है। निकलते ही फूड स्टॉल पूरा इस तरफ, आगे में तो मेला है, इधर पूरा फूड स्टॉल है। दिस डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, मेले में बहुत सारी चीज़ें जो टिपिकल मेले में, इंडियन मेले में मिलती हैं। मेरा फेवरेट है लस्सी,
मैं लास्ट में ट्राई करूँगा। अभी सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा झूले में झूलूँ। बड़ी वाली नाव, ये चरखा, दो तीन है यहाँ पर चरखा, ये भी एक राइड है। आगे में थोड़े से एडवेंचरस राइड्स भी हैं, आगे चलते हैं। थोड़ा सा पहला झूला मेरे को सबसे अच्छा लगता है, ये पूरा 360 डिग्री घुमा देता है। पिछले एक वीडियो में मैं चढ़ा था कि बाहर से बहुत एडवेंचरस लगता है, पूरा 360 डिग्री घुमा देता है, बट अंदर बैठ के मुझे वो फील नहीं आया कि मैं पूरा घूम रहा हूँ, बट देखने में अच्छा लगता है 360 डिग्री अराउंड। एज़ यूजुअल मैं अपने फेवरेट वाले चरखी में आ गया। ऐसे इस मेले में यहाँ पे चार ऐसे, एक इधर, एक उधर, दो एक इस तरफ, ये रहा तीन, और एक जिसमें मैं बैठा हूँ। लेकिन सबसे डेंजरस मुझे ये लग रहा है, ये ना दोनों तरफ से खुला हुआ है, जब ये पूरे फुल स्विंग में घूमेगा इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। चलना स्टार्ट हो चुका है, घूमने में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ना ये साइड में कुछ भी बांधा हुआ नहीं है। दूसरे झूले में यहाँ पे बांध के रखते हैं, इस वाले में कोई सेफ्टी नहीं है, दोनों तरफ से खुला हुआ है। ओह शिट। वैसे एज यूजुअल उतना ही ज़्यादा रोमांच है, बस इसमें डर कुछ ज़्यादा है। बिना सेफ्टी के पहली बार जिंदगी में झूला झूल रहा हूँ, लिटिल बिट टेरिफाइंग बन गया। मुझे सबसे ज़्यादा डर इसमें यही लग रहा है कि जितनी ज़्यादा रफ्तार पकड़ रहा है उतना ही ज़्यादा ये डेंजरस लग रहा है, क्योंकि कोई यहाँ पे बेल्ट नहीं, कुछ नहीं, सिक्कड़ नहीं। और इधर से मेट्रो ट्रेन आती हुई, हम मेट्रो ट्रेन से भी ऊपर। इसका ऐसा नहीं है कि ये रफ्तार इसका धीरे है, ये फुल स्विंग में ये घुमा रहा है। ओह शिट। ये पूरा झूल रहा है बिना सेफ्टी के, ये देखो, कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्कड़ नहीं, और ये पूरी तरह से घूम रहा है। ओह शिट। ये अलग ही एक्सपीरियंस है। भगवान कृष्ण ही अब बचाएंगे, जन्माष्टमी के मेले में अगर कुछ हो गया। सबसे ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे बीच में आके रुक गई है, क्योंकि वो धीरे धीरे अब पैसेंजर उतारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये देखो, यहाँ पे मेरा चप्पल, ये रोड, ये पूरा मेला, और कोई सिक्योरिटी नहीं। और इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ, इस तरफ भी, ये मेरा पैर, इस तरफ पूरा पंजाबी बाग, मेट्रो स्टेशन पंजाबी बाग का, और कोई सेफ्टी नहीं दोनों तरफ। ये पहला ऐसा झूला होगा जहाँ पर विदाउट एनी सेफ्टी है या साइड बार के मैं यहाँ पे इस चरखे में घूम रहा हूँ, एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। वैसे अगर सही बताऊँ, मैं सबसे ऊंचे वाले चरखे में हूँ, वो रहा एक, ये दो, ये तीन, ये सारे नीचे दिख रहे हैं, और सबसे ऊपर वाले में मैं। ऑल इन ऑल अगर मैं कह सकूँ, बहुत ही बढ़िया मेला है। मैं बहुत भीड़ हो रही है इस शूटिंग वाले गेम में, ये प्राइज भी दे रहे हैं एक्चुअली, अगर तीन या चार अगर मारो सही निशाना, लकी ड्रॉ हो रहा है, और सब प्राइज भी दे रहे हैं। इधर भी कुछ कुछ गेम्स खिला रहे हैं इस मेले में, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे गेम्स हैं। अगर आप लकी शॉट मारो तो वहाँ पर आपको प्राइज भी मिलता है। ये सारे ऊपर में प्राइजेस हैं, यहाँ पर भी छः रिंग अगर सही से डालो कुछ ना कुछ प्राइस। वहाँ पे बॉल्स हैं, अगर आप मारो और छः हो गए कितने, पाँच ग्लास हैं 50 रुपये में 250, अगर आपने पांचों ग्लास गिरा दिए 50 में 250। एक डरावना सा झूला एक और भी यहाँ पर है, पूरा 360 डिग्री ये भी घूम जाता है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। मैंने ये वाला झूला पहले कभी नहीं देखा, गुड वन। अगर आप अपनी कोई इंस्टाग्राम वाली प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके लिए भी एक छोटा सा स्टैंड लगा हुआ है, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत सारे मेलों में इसको मैं मिस करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कार। ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ, ये जन्माष्टमी का मेला पंजाबी बाग में ज़रूर आना चाहिए। अगर आप दिल्ली में हो या दिल्ली इस वक्त प्लान कर रहे हो जन्माष्टमी के टाइम में, पक्का पंजाबी बाग, मेट्रो स्टेशन मेरे पीछे ही है, वहाँ से निकलते ही ये मेले का ग्राउंड यहाँ पे स्टार्ट होता है। 15 दिन या 20 दिन अभी और है, अगर आप मिस अभी भी नहीं करना चाहते तो ज़रूर आओ यहाँ पे, दिस इज़ अ मस्ट विजिट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जन्माष्टमी। ऐसे वीडियोज़ लगातार मैं दिखाता रहूँगा, घुमाता भी रहूँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।